दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में आर्यन बचाएगा इमली की इज्जत सबके सामने आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है। यहाँ पर जबरदस्ती मालिनी अपने हाथों की मेहंदी पर नींबू पानी लगाने के लिए कहती है इमली को और उसे चिढ़ा रही होती कि ए नाम को तो तुम अच्छे से इसको करना क्योंकि वो इनाम मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इमली के हाथ पर भी वो ए छप जाता है। वो यहाँ पर मालिनी इस बात को इशारा को समझ नहीं पाती है और इमली इस मेहंदी को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी देखने को मिलता है कि वो उसे और चिढ़ा देती है और कहती है तुम शादी में तो आओगी ना, तुम अपनी बड़ी बहन की खुशी के लिए शामिल तो होगी ना। और वो उसे चिढ़ा रही होती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं देखने को मिलता है कि आदित्य उसके इमली के हाथ में मेहंदी देखकर उसे चिढ़ाता है और कहता है चिढ़ जाता है और कहता है कि वाह तुमने तो चोरी चुपके उसके आराम की मेहंदी भी लगा ली और बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ा देता है। तो वहीं देखने को मिलता है कि घर जाकर इमली बहुत ही बुरी तरह से परेशान होती है और आदित्य को याद करके रो रही होती है और आर्यन ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इंसान को मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इसके लायक ही नहीं कि तुम उसे प्यार करो। और वहीं उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि ये त्रिपाठी का घर अब गिरवी रखा गया है, वो भी बिना बताए दाऊजी ने गिरवी पर रखा है। वहीं पर देखने को मिलता है सुबह सुबह ही इमली पहुँच जाती है फिर से और देखने को मिलता है उससे पहले ही मालिनी की मेहंदी इतनी खास नहीं रची होती है, जिस पर रूपाली इस पर टॉन्ट मारती नजर आती है। वहीं अपर्णा आदित्य को समझाने की कोशिश करती है कि ये शादी मत करो, लेकिन वो तो भाई जिद करके बैठा है और कहता है कि अब और देरी नहीं होनी चाहिए। वहीं आदित्य तो वहाँ से चला जाता है और इमली वहाँ पर लौटती है और देखने को मिलता है कि इमली के हाथ पर ए बहुत ही अच्छे से रचा है। और ये सब कुछ देख कर देखने को मिलता है कि आदित्य उसे टॉन्ट मारता है और कहते हैं हाँ देखो कितनी आसानी, कितना अच्छा है ये, तो भाई प्यार भी इसको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो वहीं पर ये सब कुछ चिढ़ जाते हैं और इमली कहती है हाँ लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें तो प्यार करने वाला ये पति तो इतना अच्छा मिलेगा, लेकिन उसका रंग भी ऐसा ही होगा जैसे मेहंदी का रंग उड़ जाता है कुछ दिनों बाद। और वहाँ पर आर्यन की एंट्री होती है और वो कहता है कि चलो काम करो फिर, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मालिनी जानबूझकर अपने हाथों पर यहाँ पर देखने को चूना लगाकर अपने मेहंदी को रंग और भी ज़्यादा गहरा करने की कोशिश करती है किचन में और अपना उसे समझाती है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मालिनी कहती कि अच्छा आपकी तो अरेंजमेंट इसी फिर भी प्यार हो गया ना, तो हमारी तो पहले से ही लव मैरिज थी। और उसको चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है। तो वही देखने को मिलेगा कि अनु सबके सामने इमली की बेइज्जती करने के लिए उसके कपड़ों से चाकू से फाड़ते नजर आएगी और आदित्य की उस पर नज़र पड़ेगी और वो उसे बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर आर्यन आएगा और उसे गले लगा लेगा जिसे देखकर सभी के सभी शॉक्ड हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पर इमली की इज्जत तो आर्यन बचा ही लेता है और आदित्य को बहुत बुरा लगता है। तो वहीं पर आर्यन की और भी चाल बुरी पड़ जाती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आर्यन कितना तगड़ा झटका इन सब लोगों को देता है।